स्कॉटलैंड, जहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। लेकिन ये कहानी स्टार्ट होती है लंदन से, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ। तो मैं गया था स्कॉटलैंड अपने दोस्तों के साथ, और मैं आप लोगों को ही बोलूँगा कि अकेले जाने की जगह नहीं है, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ जाना, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस फाइनली ट्रिप स्टार्ट होगी हमारी स्कॉटलैंड की, और ये दोनों मेरे को छोड़ने आए थे, अभी ये जा नहीं रहे हैं और इनकी पार्ट टाइम जॉब वगैरह है। तो अभी मैं निकलता हूँ और ये मैं इनसे मिलता हूँ 3-4 दिन के बाद। ठीक है गाइस, बाय। Jeffrey, all set to go? Yeah. Let's go. भाई पूरी ट्रेन खाली है, मैं और Jeffrey पूरी ट्रेन में। The next station is King's Cross St. Pancras. हम अभी King's Cross पे हैं, ठीक है? और हम लोग 12 लोग हैं। तो गाइस इधर से निकल गया, मतलब मैं अपनी जो मेन स्टेशन था जो सेंट किंग क्रॉस था उससे निकल के अब मैं जो नॉर्दर्न रेलवेज वाला स्टेशन है उस पर आ गया हूँ। और अभी यहाँ से टिकट मेरे को मतलब अपनी ट्रेन बोर्ड करनी है एडिनबरा की, और फिर उधर पहुँचते हैं। मैं आपको ट्रेन वाले सीन भी बताता हूँ क्या सीन है, और अभी बस 5 मिनट में ट्रेन है, पहुँचते हैं उधर जल्दी। आ रहे हैं लंदन से स्कॉटलैंड का रास्ता है कुछ करीबन 5 घंटे का, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो वो 5 घंटे का रास्ता आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रांजल भाई न्यूकासल क्यों उतर गए? अरे ऐसे ही छोड़ दिया पूरा। भाई हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई है बहुत ज़्यादा विंड स्पीड की वजह से, तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई है अभी। तो अभी न्यूकासल जा रहे हैं और पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या अब और हमारी उधर सारी बुकिंग वगैरह सब कुछ है, कुछ नहीं हो पता चल रहा है क्या करते हैं। ये अलग लोग गाइस फाइनली अभी मैं होटल के पास पहुंच गया हूँ, और अभी बज रहे हैं 7:15, और ये पीछे होटल है मेरा, और अभी बस चेक इन करते हैं उधर जाके। और इससे पहले आपका मिलना ज़रूरी है, और ये प्रांजल है, ईशा और वो तानिया अभी फ़ोन पे है, और कुछ लोग अभी ऊपर चले गए हैं, तो उनसे मिलवा दो मैं उन लोगों को फिर से, तो चलते हैं बस। तो भाई रूम टूर में
ये रूम है हमारा, बेड है वहाँ पे, काउच टाइप है, एक टेबल है, एक से टेबल है, वॉशरूम है, बाथटब है। फिर मैंने अपना सामान रख दिया है अभी, टीवी भी चलता है।